Good morning, students. Welcome to BBVN online classes. I am your master, Sakshi Dhiman. Today we will start the exercise 3.6. Okay. So see the questions. Find the LCF of the following numbers. आपको यहाँ पे शायद 6 or 7 questions थे इसके. इसमें से मैंने 3 लिए हैं. बाकी आप करेंगे. Practice हो जाएगी आपकी अच्छी तरह. तो उसने कहा LCF, that is highest common factor निकालना है आपको. ठीक है. तो सबसे पहले highest common factor निकालने के लिए मुझे इसकी फैक्टराइजेशन करनी पड़ेगी. तो अगर मैं 18 की करती हूँ, सी दैट 18, इसके फैक्टर्स में डालती हूँ, तो सबसे पहले वन्स प्लेस पे क्या है, यहाँ पे 8 है, तो ये किससे जाएगा, 2 से. डिविजिबिलिटी रूल आपको करवाया था मैंने, तो 2 से जाएगा, 2 नाइन्स आर 18. अब किससे जाएगा, 9 है तो 3 से, 3 जा 9, 3 1 जा 3. ओके. तो आपको प्राइम नंबर से ही यहाँ पे करना, आप डायरेक्टली 9 से मत कर देना, प्राइम नंबर से ही होगा. अब ये 48 की कर लेते हैं. अब यहाँ पे वन स्पेस क्या है, पे क्या है 8, तो ये 2 से जा सकता है, 2 2 4 2 4 8. फिर से यहाँ पे 4 है वन स्पेस पे, ये फिर 2 से डिविजिबल है, अगेन 2 1 2 2 2 4, अगेन यहाँ पे वन स्पेस पे 2 है, तो ये 2 से जाएगा, 2 6 12, फिर 2 से 2 3 6 एंड 3 1 3. ओके. आप 18 के प्राइम फैक्टर्स लिख दीजिए, 2 × 3 × 3. अब आप 48 के लिखिए, दैट इज 1 2 3 4, 4 टाइम्स 2 है, 1 2 3 4, और 1 टाइम 3 है आपका. ओके. अब उसने क्या कहा है, यहाँ पे क्या निकाली, एचसीएफ निकाली, एचसीएफ मीन्स हाईएस्ट कॉमन फैक्टर. तो 1 2 जो कॉमन है दोनों में, इन दोनों में कॉमन है 2. अब देखते हैं यहाँ पे और 2 कोई भी नहीं है. हाँ, इसमें एक 3 है, इसमें भी एक 3 है, और इसको भी आप इसके साथ कॉमन निकाल लीजिए. एक 2 आ गया और एक क्या आया आपका, 3 आया, तो 2 3 6, तो एचसीएफ कितना हुआ इसका, 6 हुआ, दैट इज हाईएस्ट कॉमन फैक्टर. अब इसकी बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, 34 और 102. आपको ये जो एलसीएम एलसीएफ है ना, ये भी अच्छी तरह आना चाहिए. अगर नहीं आता किसी को तो आप मुझे बता सकते हैं, मैं उसको अच्छी तरह समझा दूंगी फिर से. तो जैसे ये 34 है, तो 34 की प्राइम फैक्टराइजेशन करते हैं, इसके प्राइम फैक्टर बनाए, तो यहाँ पे वन प्लेस पे गया 4 है, तो 2 से जाएगा, 2 1 2, देन 2 7 14, 2 1 2, एंड देन 2 7 14. अब 17 इज अ प्राइम नंबर, तो प्राइम नंबर अपने ही फैक्टर से जाएगा, तो आप 17 1 17 लिखेंगे यहाँ. ओके. सो अब किसके करेंगे, 102 के, वन स्पेस में कितना है, 2 है, तो अभी किससे करेंगे, 2 से करेंगे, 2 5 10, 2 1 2. अब मैं क्या करूंगी, मैं देखती हूँ कि इसमें डिविजिबिलिटी रूल लगा दू 3 का, ये 3 से 51 3 से डिविजिबल है या नहीं है. 5 + 1 6 होता है, तो 6 अगर उसका सम जो है वो 3 से डिविजिबल है, तो नंबर पर 3 किससे डिविजिबल होगा, तो 3 से करेंगे, 3 1 3 3 7 21. अब 17 1 17, बिकॉज 17 इज अ प्राइम नंबर. तो 34 के फैक्टर्स क्या आए आपके, 2 × 17. अब आपके 102 के क्या फैक्टर्स आए, 2 × 3 × 17. एक तो इन दोनों में 2 कॉमन आ गया और एक 17 आ गया कॉमन. ओके. तो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या हुआ इसका, 2 × 17 में 17 × 2 = 34, तो आपका 34 जो आया इसका आंसर आ गया. अब ये देखिए 12 45 और 75, यहाँ पे तो 3 है, दैट इज 12 भी है, 45 भी है, अब 75 है. अब ये देखिए, अगर 3 डिजिट्स दे दिए तो कैसे निकालते हैं, सबसे पहले 12 की प्राइम फैक्टराइजेशन करें. अब 2 से करेंगे, 2 6 = 12, अगेन 2 से, 2 3 = 6, अगेन अब 3 से, 3 1 = 3. अब 45 पे करते हैं, 45 की, अब देखिए यहाँ पे वन प्लेस पे क्या है, 5 है, तो ये नंबर 2 से तो डिविजिबल नहीं होगा. अब देखते हैं कि 3 से होता है कि नहीं. अब इसको 3 की डिविजिबिलिटी चेक करते हैं, 5 + 4 9, तो जो 9 है वो 3 से डिविजिबल है, तो ये नंबर भी 3 से डिविजिबल होगा, तो 3 से करते हैं, 3 1 3 3 5 15. अब फिर 3 से जाएगा, 3 5 15, देन 5 1 5. अब हम 75 का करते हैं, लाइक 75. अब फिर से 2 से तो डिविजिबल नहीं होगा, अब 7 और 5 को ऐड करते हैं, 12, तो जो 12 है 3 से डिविजिबल है, तो ये 3 से करेंगे, 3 2 6, 3 5 15. अब यहाँ पे 5 + 2 कितना होता है, 7, तो ये तो 3 से डिविजिबल नहीं होगा. अब हम 5 से करेंगे, 1 प्लेस पे 5 है, तो 5 से जाएगा, 5 5 से 25, 5 1 5. अब इसके जो फैक्टर्स आए,
तो आज के फैक्टर्स वो है दैट इज 2 × 2 × 3। अब उसके 45 की बात करते हैं तो ये आते हैं 3 × 3 × 5। अब 75 की बात करते हैं तो ये कितना हुआ 3 × 5 × 5। अच्छा एक बात मैं आपको बताती हूँ, जो कॉमन है ना मेक श्योर वो तीनों में ही कॉमन हो। मान लीजिए इसमें भी 3 है, इसमें भी 3 और इसमें 3 नहीं है, तो उसको कॉमन नहीं लिया जाएगा। ओके यहाँ पे 2 है तो यहाँ पे भी 2 होना चाहिए, यहाँ पे भी 2 होना चाहिए, तब कॉमन माना जाएगा, अदरवाइज इसको कॉमन नहीं माना जाएगा। अब यहाँ पे 2 है, यहाँ पे तो कोई भी 2 नहीं है, यहाँ पे भी नहीं है, तो इसको तो कैंसिल हो गया। अब 2 तो है ही नहीं है। अब 3 की बात करते हैं, इसमें एक 3 है, इसमें भी एक 3 है और इसमें भी एक 3 है, तो इसको जो HCF है इसका HCF इज हाईएस्ट कॉमन फैक्टर इज 3। ओके आप जब भी प्राइम फैक्टराइजेशन करते हैं तो हमें प्राइम नंबर से ही करना होता है। प्राइम नंबर्स कौन से होते हैं? जो अपने ही फैक्टर से डिविजिबल होते हैं, या तो 1 से या अपने फैक्टर से, उसको प्राइम नंबर्स बोलते हैं। अगर सपोज आर इसने कॉम्पोजिट नंबर ले लिया आपने, जैसे ये था यहाँ पे 6 × 1 = 6, ठीक है, तो फिर आप कंफ्यूज हो जाओगे कि इसको आगे कैसे करना है। तो आपको प्राइम नंबर, प्राइम फैक्टराइजेशन करने के लिए प्राइम नंबर्स ही लेने पड़ेंगे। ठीक है तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अब इक्वेशन नंबर सेकंड देखिए, व्हाट इज द एचसीएफ ऑफ द 2 कॉन्सिक्यूटिव। ओके दो कॉन्सिक्यूटिव नंबर्स हैं तो उनका एचसीएफ क्या होगा, मींस हाईएस्ट कॉमन फैक्टर कौन सा होगा। कॉन्सिक्यूटिव नंबर्स मैंने आपको बताया था क्या होते हैं, कल के वीडियो में भी बताया था। अब जैसे कहते हैं एग्जाम्पल्स लेके कर लेते हैं इसको, आपको पीछे से आंसर देख के नहीं करना है कि पीछे आंसर इसका 1 है, 2 और 1 है, तो आपने लिख दिया 1 × 2 = 1 हो गया। ओके तो आपका इवन समझ होना चाहिए कि इनके आंसर कैसे आते हैं। मैं जो एग्जांपल्स ले रही हूँ आपको उससे डिफरेंट एग्जांपल्स लेनी है, मेरी वाली एग्जांपल्स आप नहीं लिखेंगे, ठीक है, समझने के लिए मैं बता रही हूँ कि ये है। पर आप जो एग्जांपल्स लिखोगे अपनी फेयर कॉपी में, आप डिफरेंट एग्जांपल्स लेके करेंगे। अब यहाँ पे क्या है, कॉन्सिक्यूटिव नंबर्स, सबसे पहले ए पार्ट बता रही हूँ। तो कॉन्सिक्यूटिव नंबर, सपोज दैट मैंने ले लिया कॉन्सिक्यूटिव नंबर, नंबर्स की बात मतलब मान लो 5 और 6 ले लिया, ठीक है, तो अब 5 के फैक्टर्स कितने हो गए, दैट इज 5 × 1, और 6 के कितने हुए, दैट इज 2 × 3 × 1, यही हुआ ना यहाँ पे। तो यहाँ पे दोनों में क्या कॉमन आ रहा है, 1, तो यहाँ पे इसका एचसीएफ कितना होगा आपका, 1, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या होगा, 1, 1 के अलावा कुछ भी कॉमन नहीं है, तो इसका एचसीएफ कितना आ गया आपका 1। अब 2 इवन नंबर, कॉन्सिक्यूटिव देन इवन नंबर होना चाहिए, तो मैं एग्जाम्पल ले लेती हूँ, मान लो 4 और 6 की ले लेती हूँ मैं एग्जाम्पल। अब 4 के फैक्टर्स बनाती हूँ मैं, 4 × 2 × 2 होगा यहाँ पे, और यहाँ पे 2 × 2 × 1 लिख लो। अब यहाँ पे 6 की बात करते हैं तो ये कितना हुआ आपका, दैट इज 2 × 3 × 1। अब यहाँ पे अगर 2 इवन नंबर है तो इसमें 2 के अलावा तो कुछ भी कॉमन नहीं आ रहा है, तो एचसीएफ कितना आएगा इसका, 2 आ जाएगा। इट मीन्स दैट अगर 2 कॉन्सिक्यूटिव इवन नंबर्स आते हैं तो उनका एचसीएफ निकालना है, मीन्स हाईएस्ट कॉमन फैक्टर निकालना, तो वो 2 ही आएगा। अब और नंबर की बात करते हैं, और नंबर कौन से होते हैं जो 2 से डिविजिबल नहीं होते हैं, तो एग्जांपल ले लेते हैं लाइक 2 ऑड नंबर, लाइक मैंने सपोज दैट 3 और 5 ले लिया, तो 3 के फैक्टर्स बना दो, दैट इज 3 × 1, 5 की बात करें तो 5 × 1, तो इसमें भी 1 के अलावा तो कुछ भी कॉमन नहीं आ रहा, तो एचसीएफ कितना हो जाएगा इसका, 1 हो जाएगा। तो इसका मतलब अगर 2 ऑड नंबर लेते हैं तो उनका एचसीएफ निकालना होता तो वो भी कितना आता है, 1। तो ये एग्जांपल्स लेके मैंने इसको समझाया है, आप भी एग्जांपल्स लेंगे बट डिफरेंट एग्जांपल्स लेके इसको सॉल्व करेंगे। अब इसका लास्ट क्वेश्चन देखिए, अब ये क्वेश्चन देखिए, एचसीएफ ऑफ को प्राइम नंबर्स, को प्राइम नंबर क्या कौन से होते हैं जिसमें 1 के अलावा कुछ भी कॉमन नहीं होता, 1 के अलावा कोई कॉमन फैक्टर नहीं होता, उसको को प्राइम नंबर कहते हैं। कहता 4 और 15 वाज फाउंड एज फॉलोज बाय फैक्टराइजेशन, तो उसने उसकी फैक्टर बना दी, 4 के बना दिए, दैट इज 2 × 2, ठीक है, ये क्वेश्चन है पूरा आपका। 4 के 2 × 2 एंड 15 के क्या होंगे, 3 × 5। तो कहता है सिंस देयर इज नो कॉमन प्राइम फैक्टर, अब कॉमन प्राइम फैक्टर तो इसमें नहीं है, तो कहता सो एचसीएफ ऑफ 4 एंड 15 इज 0। तो फिर अगर इसमें कॉमन फैक्टर नहीं है तो जो एचसीएफ है दैट इज 4 और 5 का, तो वो 4 और 15 का वो क्या है, 0 है। तो कहता है इज द आंसर करेक्ट, क्या ये आंसर सही है, तो कहता है अगर नहीं है तो व्हाट इज द करेक्ट एचसीएफ। आपको पता ही है कि अगर जिसमें कुछ भी कॉमन नहीं होता उसमें 1 लेते हैं ना, तो हम अगर ऐसे करते सर 4 है तो इसके ऐसे लिखते 2 × 2 × 1, तो मीन 2 × 2 = 4, 4 × 1 दैट इज 4 × 1 क्या होता है, 4 ही तो होता है। अभी आप वैसे ही करते हैं, हम जैसे 15 है हम उसको ऐसे लिख सकते 3 × 5 × 1,
स्टार्टिंग में तो ये कह रहा है कि एलसीएफ ऑफ कू प्राइम नंबर्स 4 एंड 15 वाज फाउंड एज अ, अब ये दोनों कू प्राइम नंबर है, कू प्राइम नंबर तो तभी होते हैं जब उसका एलसीएफ कितना होता है, 1 होता है। तो आप इसका आंसर जो है जो फर्स्ट का है, तो इज द आंसर करेक्ट? नो, इसका आंसर क्या होगा? नॉट करेक्ट, आंसर करेक्ट नहीं होगा। कू प्राइम नंबर तो 1 कॉमन आता है, तो अब इन दोनों में क्या है, 1 कॉमन ले सकते हैं हम इसको, तो एलसीएफ क्या होगा इसका, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या होगा, 1। ठीक है ना, बिकॉज यहाँ तो कह रहे हैं कोप्राइम नंबर है, फिर कह रहे हैं कि उसका एचसीएफ 0 है, तो वो तो हमने इतने सारे क्वेश्चंस कर लिए कोप्राइम नंबर के, कि अगर मैं आपको भी देती तो ये आप अच्छी तरह क्वेश्चन कर लेते। ठीक है, तो ये जो एक्सरसाइज 3.6 है, ये भी आपकी एक्सरसाइज कंप्लीट होती है। अब नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट चैप्टर शुरू करेंगे। टिल देन थैंक यू।